हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में बीए फर्स्ट ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र विषय साहित्य हिंदी और पाठ है आपका पाठ चार सूरदास भ्रमर गीत प्रसंग से, साथियों इसके दो क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं, पिछले वीडियोज में आपको देखने को मिल जाएंगे। और अब हम बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। तो पांचवा क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको ही करवाया जा रहा है, जिनको आप जो अक्सर एग्जाम में आया करते हैं। तो साथियों इन क्वेश्चनों को आप देख लेंगे तो इनमें से मोस्ट क्वेश्चनों में से ही लगभग एग्जाम में आ जाते हैं। तो आप देखेंगे पांचवा क्वेश्चन को, पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, जैसा कि सूरदास को हम सब जानते हैं कि सूरदास को एक वात्सल्य भाव का और भक्ति भाव का सम्राट माना जाता है। सूरदास जैसे अभी तक सूरदास के समान कोई भी दूसरा कवि नहीं हुआ, क्योंकि ये वात्सल्य भाव में अद्वितीय है और इन्होंने वात्सल्य भाव का जो भी प्रसंग लिया कृष्ण के माध्यम से, उस प्रसंग को बखूबी श्रेष्ठता दी है, महत्व दिया है और बहुत अच्छा ही प्रसंग इन्होंने ये जो भ्रमर गीत है इसमें डाला है। तो साथियों सूरदास के समान कोई भी दूसरा कवि आज तक नहीं हुआ जिसने भी वात्सल्य भाव का आज तक इतना अच्छा निरूपण किया हो। तो आप देखेंगे सूरदास बहुत ही विशेष कवि हैं देखा जाए तो आपको ले चलते हैं भ्रमर गीत प्रसंग में। प्रश्न है आपका, सूर का भ्रमर गीत विरह काव्य होने के साथ साथ सफल व्यंग्य काव्य भी है, सौदार विवेचना कीजिए। साथियों यहाँ सफल व्यंग्य काव्य भी बताया है इसको, विरह काव्य को, भ्रमर गीत में ये आता है विरह काव्य, सूर का विरह काव्य। बच्चों विरह का मतलब ये नहीं है कि कोई नायक और नायिका होंगे इसमें, नहीं साथियों, इसमें कृष्ण और बलराम जिस समय मथुरा चले गए थे उस समय नंद यशोदा और गोपी गोपिकाओं की जो स्थिति थी, जो कष्ट था, जो दुख था, उसी को विरह काव्य का नाम दिया गया है। साथियों देखेंगे बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा प्रसंग है इसमें, जैसे कि भागवत पुराण के दसम स्कंद में लिया गया है इसको। आपने कभी भागवत अगर सुनी होगी तो उसमें भी इसका प्रसंग आया हुआ है, वहीं से ये प्रसंग लिया गया है। तो देखेंगे आप आगे, ले चलते हैं आपको आंसर की भूमिका में। बच्चों बात करते हैं आगे, देखेंगे साथियों यहाँ हिंदी साहित्य में प्रायः सभी कृष्ण भक्त कवियों ने सूरदास के भ्रमर गीत के अनुरूप भागवत के पौराणिक प्रसंग का मधुर भावपूर्ण चित्रण किया है। बच्चों भ्रमर गीत में मुख्यतः ज्ञान योग की अपेक्षा प्रेमा भक्ति का तथा निर्गुण की बजाय सगुण भक्ति का महत्व प्रतिपादित करना सभी भक्त कवियों का लक्ष्य रहा है। बच्चों यहाँ ज्ञान योग की अपेक्षा, ज्ञान योग किस, ये ज्ञान की बात किसके द्वारा की गई है, उद्धव के द्वारा, और प्रेमा भक्ति ये गोपियों का प्रसंग है। तो साथियों यहाँ निर्गुण की बजाय सगुण, निर्गुण कौन है, निराकार ब्रह्म, और सगुण है साकार ब्रह्म। तो यहाँ निर्गुण की बजाय सगुण भक्ति का महत्व प्रतिपादित करना सभी भक्त कवियों का लक्ष्य रहा है। तो साथियों यहाँ सगुण भक्ति तथा विप्रलंब श्रृंगार चित्रण की दृष्टि से हिंदी में भ्रमर गीत परंपरा का विशेष महत्व माना जाता है। ये बहुत ही विशेष और श्रेष्ठ टॉपिक है बच्चों आपके लिए। तो आप देखेंगे आगे, बात करते हैं भागवत का भ्रमर गीत प्रसंग, पॉइंट है आपका
भागवत बहुत लोगों ने सुनी होगी, हो सकता है आपने नहीं सुनी हो अभी तक, लेकिन यहाँ जो भ्रमर गीत प्रसंग लिया गया है ये भागवत पुराण से ही लिया गया है। तो आप देखेंगे आगे बहुत ही भक्ति से भरा हुआ टॉपिक है ये, देखेंगे साथियों। यहाँ भ्रमर गीत का मूल आधार जो है वो श्रीमद् भागवत पुराण को माना गया है, और भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 46वें अध्याय की कथा के अनुसार मथुरा में रहने पर भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन अपने प्रिय शिष्य और सखा को नंद यशोदा और गोपियों के पास उनके कुशल समाचार पूछने तथा अपना संदेश पहुंचाने के लिए ब्रज भेजा था। तो कृष्ण के प्रिय सखा कौन थे? उद्धव थे। साथियों हम सब जानते हैं उद्धव से ज्यादा प्रिय उन्हें कोई भी नहीं था। उद्धव ज्ञानी थे, प्रेमी नहीं थे, लेकिन फिर भी ज्ञान योग में उद्धव को जो विशेष बताया गया है साथियों, इसी ज्ञान के कारण ही उद्धव को भी पता था कि जो कृष्ण है वो वास्तव में कृष्ण ना होकर एक ब्रह्म है, जो ईश्वर है, लेकिन उस ईश्वर को कौन सी आंखों से देख सकते हैं? भक्ति भाव की आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ब्रह्म तो ब्रह्म है। जो उससे प्रेम करता है उसको वो प्रेम करता है, लेकिन उन आंखों से ब्रह्म को देख नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म को हमेशा ज्ञान की आंखों से, ज्ञान चक्षु से देखा जाता है। साथियों यहाँ जो ब्रह्म की बात आती है तो एक दिन का समय है जिस समय कृष्ण और बलराम मथुरा में थे, तो उद्धव उनको लेकर के नदी के किनारे स्नान करवाने ले गए। तो वहाँ देखा उन्होंने उद्धव ने, क्योंकि उद्धव मन ही मन ज्ञान के द्वारा वो समझते थे कि कृष्ण कोई साधारण बच्चा नहीं है, साधारण बालक नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा ब्रह्म है यानी देवता है। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही कृष्ण और बलराम स्नान करके बाहर आ गए और उद्धव ने सोचा हम भी स्नान कर लें, तो वहीं रथ खड़ा कर दिया। कृष्ण और बलराम बाहर खड़े हैं यमुना के किनारे, नदी के किनारे, और वो उद्धव जो है वो स्नान करने जल में प्रवेश कर गए। जैसे ही बच्चों उद्धव ने पानी के अंदर डुबकी लगाई, होता क्या है डुबकी लगाते ही देखा उद्धव ने कि पानी के अंदर भी कृष्ण है। देखते ही वो चौंक गए, खड़े हो गए, पानी से बाहर आ गए। बाहर देखा किनारे पे कृष्ण खड़े हैं, कि कृष्ण तो बाहर है लेकिन ये मुझे अंदर क्यों दिखाई दे रहा है। फिर डुबकी लगाई, ऐसा उन्होंने कई बार किया लेकिन कृष्ण वापस पानी में भी दिखाई दे रहे हैं उसको, अंदर और बाहर भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उद्धव सोचते हैं कि जब कृष्ण बाहर है, इतनी दूर खड़ा है, वो हमें भला पानी में कैसे दिख सकता है। फिर उन्होंने ज्ञान चश्मों से जैसे ही उनका आह्वान किया, देखा कि वास्तव में वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो एक ब्रह्म है, और ब्रह्म को ज्ञान चश्मों से कभी भी देखा जा सकता है। तो साथियों यहाँ बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रसंग है, आप देखेंगे आगे, बात करते हैं आगे। यहाँ जो है उसी की बात की जा रही है, उद्धव की, जो बहुत ज्ञानी थे और कृष्ण के प्रिय शिष्य, कृष्ण के जो है ना, कृष्ण ने एक दिन अपने प्रिय शिष्य जो सखा भी थे, मतलब मित्र भी थे उनके उद्धव, तो उनको नंद यशोदा और गोपियों के पास भेजा था कुशल समाचार पूछने तथा अपना संदेश पहुंचाने के लिए भेजा गया था। कहाँ पर? ब्रज में। तो बच्चों यहाँ मथुरा से ब्रज में जब भेजा गया उद्धव को, श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव सायंकाल, शाम का समय था, सायंकाल नंद गांव में पहुंचे। नंद बाबा ने उनका हार्दिक स्वागत किया बच्चों, और वात्सल्य भाव से कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण कर, कृष्ण की याद आ जाती है नंद बाबा को, और उन्होंने उनके वात्सल्य भाव से कृष्ण की बचपन की जो लीलाएं थी
जो उनकी क्रीड़ाएं थी उनको याद करके उनकी कुशल क्षेम पूछी। साथियों, उद्धव ने श्री कृष्ण और बलराम के शीघ्र आने की सूचना देकर नंद को सांत्वना दी तथा श्री कृष्ण के ब्रह्मत्व का निरूपण भी किया। बच्चों, भागवत के दशम स्कंद के 47वें अध्याय की कथा के अनुसार दूसरे दिन प्रातः गोपियों ने नंद बाबा के द्वार पर सोने का रथ खड़ा हुआ देखा। बच्चों, पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके पास लकड़ी के रथ नहीं होते थे बल्कि सोने के रथ होते थे। अब आप कहोगे पहिया भी सोने के थे क्या? नहीं होता। क्या है, पहिया और सारी चीजें लकड़ी की हुआ करती थी और सोने से उनको मढ़ा जाया करता था, सोने की उन पर परत चढ़ाई जाया करती थी, तो वो पूर्ण रूप से सोने के ही दिखते थे। तो वहां सोने का रथ जैसे ही गोपियों ने नंद बाबा के द्वारे पर खड़ा हुआ देखा तो उनके मन में एक भाव आया। क्या? इसी समय उन्होंने उद्धव को प्रातःकालीन कार्यों से निवृत्त होकर आते हुए देखा। गोपियों ने कृष्ण का मित्र, मंत्री और संदेश वाहक सखा जानकर उद्धव का सम्यक सत्कार किया, जो आमतौर पर अपने प्रिय के, आप देखते हैं कि जिसको आप ज्यादा प्रेम करते हैं, जिसको ज्यादा चाहते हैं, उसके वहां से, चाहे उसका मित्र हो, चाहे उसके यहाँ से कोई भी व्यक्ति पर्सन जो भी है आए, तो हमारे देखते हैं कि जो हमारा प्रिय है उसके यहाँ से कोई आता है तो हमारे मन को बहुत ही अच्छा लगता है। हमें लगता है जैसे हम अपने मित्र से ही मिल रहे हैं। ऐसी आत्मीयता के कारण ऐसा होता है, प्रेम भाव के कारण ऐसा होता है। वही गोपियों को भी हो रहा है। लेकिन गोपियों ने देखा, क्या देखा? उद्धव को देखते ही उनका सम्यक सत्कार किया, फिर वे कृष्ण का ध्यान कर उन्हें उनकी निष्ठुरता के लिए उपालंब देने लगी। भावावेश में कृष्ण की अनेक लीलाओं का स्मरण कर वे फूट फूट कर रोने लगे। साथियों, ये रोना धोना कब होता है? जब देखा जाए कि इंसान, कोई भी इंसान हो, जब किसी के प्रेम में पड़ जाता है, अंधा प्रेम करने लग जाता है, और क्योंकि वो प्रेमी है, वो ज्ञानी नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है, वो प्रेम के कारण फूट फूट के रोने लगी, कृष्ण की याद आने लगी, उनकी लीलाओं की याद आने लगी। तभी कहीं से एक भ्रमर उड़ता हुआ आया। भ्रमर मतलब भौरा, भवरा, समझते हैं ना? और गोपियों के बीच में गुंजार करता हुआ मंडराने लगा। तब कृष्ण से उसका रूप गुण वर्ण क्रिया आदि का सामने देखकर गोपियों ने भ्रमर के माध्यम से कृष्ण और उद्धव दोनों को अनेक उपालंब दिए। साथियों, भागवत का यही प्रसंग हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत नाम से विख्यात हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ भ्रमर गीत का मतलब क्या है, यानी भ्रमर गीत एक भौरे को माध्यम बना करके कृष्ण और उद्धव की उनके गुणों से और उनकी क्रियाओं से समानता करके गोपियों ने भ्रमर को ही भ्रमर गीत के नाम से यहाँ भागवत पुराण से ये लिया गया है। और तभी से इनका जो है उसी समय से भ्रमर गीत नाम से ये प्रसंग विख्यात हो गया। भागवत का यही प्रसंग जो है भ्रमर गीत के नाम से विख्यात हुआ है, कहाँ? हिंदी साहित्य में। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। आगे देखेंगे आप सूर का भ्रमर गीत, पॉइंट है ये भी। ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है सूर का भ्रमर गीत। बच्चों, सूर का भ्रमर गीत देखेंगे आप, इसमें जो है ना, सूरदास ने भागवत के भ्रमर गीत प्रसंग को लेकर युग दर्शन साक्ष्य विचार किया और भ्रमर प्रसंग के मूल रूप को सर्वथा नवीन भावभूमि पर लाकर खड़ा कर दिया। बच्चों, सूर ने अपने भ्रमर गीत में जहां गोपियों की विरह वेदना का मार्मिक एवं भावपूर्ण चित्रण किया है, वहीं उन्होंने उद्धव के माध्यम से निर्गुण
मतानुयायियों को पुष्टि मार्गीय प्रेमा भक्ति के सामने परास्त किया है। बच्चों, वस्तुतः सूर्य का उद्देश्य ज्ञान योग और निर्गुण पर प्रेम भक्ति और शगुन की विजय दिखाना सूर्य का जो उद्देश्य था वो ज्ञान योग और निर्गुण पर प्रेम भक्ति और शगुन की विजय दिखाना रहा है। तो इन्होंने इस उद्देश्य से भ्रमर गीत की रचना नहीं की है बच्चों, लेकिन इनका उद्देश्य तो यही रहा है कि जो ज्ञान है, योग है और निर्गुण ब्रह्म है, उस पर प्रेम और भक्ति का, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ज्ञान पर भक्ति का और निर्गुण पर प्रेम का, ठीक है। तो जहां भक्ति होती है वहां ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता है वहां प्रेम नहीं होता है, और जहां प्रेम होता है वहां ज्ञान नहीं होता है, जहां निर्गुण होता है वहां भक्ति नहीं होती है, जहां भक्ति होती है वहां निर्गुण नहीं होता, सगुण रूप साकार रूप प्रस्तुत होता है। तो साथियों, यहां जो बात हो रही है, तो यहां सूर्य का उद्देश्य यही था कि ज्ञान योग के द्वारा प्रेम पर और भक्ति के द्वारा निर्गुण ब्रह्म पर सगुण की विजय दिखाना था। तो बच्चों, यहाँ भ्रमर गीत में विरह वर्णन पॉइंट है तीसरा। भ्रमर गीत में विरह वर्णन देखेंगे आप, तीसरा पॉइंट है बच्चों। तीसरे पॉइंट पर ले चलते हैं आपको। जैसे कि भ्रमर गीत में सूरदास ने उद्धव के द्वारा ज्ञान योग का संदेश देते ही गोपियों को उपालंब देती हुई तथा प्रियतम कृष्ण की विविध लीलाओं का स्मरण करती हुई दिखाया गया है। बच्चों, इस कारण इसमें विरह वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है, क्योंकि विरह तभी होता है जब हम किसी प्रेमी के प्रेम में पड़ के उसकी लीलाओं का स्मरण करके जब हम दुखी होते हैं, उसी को विरह कहा जाता है। तो साथियों, यहाँ वही बात की जा रही है कि गोपियों को जब कृष्ण की याद आती है, उनकी विविध लीलाओं का स्मरण करती हैं, तो इस कारण उन्हें दुख होता है, दुख से विरह वेदना का यहाँ मार्मिक चित्रण किया गया है। तब गोपियाँ अपनी प्रेम निष्ठा को व्यक्त करती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं, देखो बहुत ही सुंदर साधारण पंक्तियाँ दी हैं बच्चों। गोपियों ने प्रेम निष्ठा को व्यक्त करने के लिए कौन सी पंक्तियां कही हैं देखेंगे आप, क्या कहा है। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो सावरी सूरत, चितय नयन की कोर। देखा, बड़े प्रेम भाव से गोपियों ने ये पंक्तियां कही हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर कहा है उद्धव को, हे उद्धव, श्याम यानी कन्हैया कृष्ण नंद बाबा के पुत्र, हमारे चोर हैं वो। चोर का मतलब ये नहीं कि वो आपकी ज्वेलरी चुरा के ले गए, नहीं, वहां मन को चुराने की बात हो रही है बच्चों। तो श्याम हमारे चोर हैं, जिन्होंने हमारे मन को चुराया है। और क्या कहा, चिता नैन की कोर, टेढ़ी आंखों से देख के, तिरछी आंखों से देख के मेरे मन को, मेरे हृदय को चुरा लिया है कृष्ण ने, नंद बाबा के पुत्र ने। ऐसा कहा है गोपियों ने किससे, उद्धव से।
सुरभि और सांवली सुरभि, उनकी सांवली सांवली सुरभि भोली वाली सुरभि सांवले थे कृष्ण, रंग उनका सांवला था। तो मन हर लियो सांवली सुरभि, मेरा मन तो पहले ही कृष्ण की सांवली सुरभि ने मेरे मन को हर लिया था, मेरा मन वैसे ही बस में नहीं था। और चिता नैन की गोर तिरछी आंखों से देखकर मेरे मन में वो समा गए हैं और उन्होंने मेरे मन को चुरा लिया है, इसलिए हे मधुकर श्याम हमारे चोर है, ऐसा कहा है किसने, गोपियों ने। और क्या कहा आगे देखेंगे आप, और भी आगे कहा है, क्या दो पंक्तियां और हैं। बिन गोपाल बैरन नहीं कुंजे, तब वह लता लगत अति शीतल, अब वही विषम ज्वाज की पुंजे। साथियों यहाँ बहुत ही अच्छी लाइनें कही हैं गोपियों ने, बिन गोपाल बैरन वही कुंजे, कुंज मतलब गलियां, गोपाल कृष्ण, कृष्ण के बिना गलियां सूनी हो गई हैं, पूरी गलियों में कोई भी रौनकता नहीं है। जिन गलियों में कृष्ण सारे दिन क्रीड़ाएं करते थे, सारे दिन गोपियों को छेड़ते थे, उन गलियों में इतना सूनापन हो गया है कि वो बैरन का रूप ले लिए हैं। उन कुंजों में उन गलियों में किसी का भी मन नहीं लगता है, सूनापन हो गया है, कृष्ण के बिना सब कुछ व्यर्थ लगने लगा है, ऐसा किसने कहा है, गोपियों ने। और क्या कहा, तब वह लता लगत अति शीतल, उस समय जब कृष्ण थे साथ में, उस समय वन की जो लताएं हैं बहुत ही शीतलता प्रदान करती थी, बहुत ही अच्छी लगती थी, रोचक लगती थी। लेकिन अब क्या हो गया उन लताओं में, अब वो लता कैसी लगने लगी है, अब भाई विषम ज्वाज की पुंजे, अब तो वो विषम बहुत ही भयंकर ज्वाज की पुंजे, यानी उलझी हुई वो लड़ियां लगती हैं, अब उनमें कोई हमारी रुचि नहीं रही है, क्योंकि कृष्ण के बिना जो चीजें हमें अच्छी लगती थी वही चीजें हमें अब व्यर्थ की बेकार चीजें लगती हैं, कृष्ण के बिना यहाँ मन नहीं लगता है। और क्या कहा, थोड़ा सा और देखेंगे आप आगे, बहुत शानदार पंक्तियां कही हैं। हमारे हरि हार की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। जब उद्धव उन गोपियों को कई प्रकार से ज्ञान योग से समझाते हैं, उद्धव गोपियों को ज्ञान देते हैं, लेकिन होता क्या है, गोपियों के ऊपर उद्धव के ज्ञान का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनको प्रेम की जो परत है वो चढ़ी हुई है उनके हृदय और आंखों पर, इसलिए प्रेमी को कभी ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ता। वही काम गोपियों के साथ हो रहा है, गोपियां कह रही हैं उद्धव से, हे उद्धव ये ज्ञान ध्यान की बातें किसी और को सुनाना, लेकिन पहले हमारी बात सुनो। क्या, हमारे हरी हार की लकड़ी, हारे एक पक्षी का नाम है बच्चों, जो सारे दिन अपने पंजे में कभी चोंच में एक लकड़ी को पकड़ कर रखता है, उड़ते हुए बैठते हुए एक लकड़ी को पकड़ के रखता है, हारे पक्षी नाम है उसका। तो गोपियां कह रही हैं हमारे हरि हारे की लकड़ी, हम तो हारे पक्षी हैं और वो हमारी लकड़ी है, कौन, कृष्ण। क्योंकि मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन का क्रम और वचन से नंद नंदन कृष्ण को उर हृदय में, उर का मतलब हृदय, गोपियों ने नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को मन क्रम और वचन से यह दृढ़ कर पकड़ी, उस हारे पक्षी के समान ही दृढ़ता से पकड़ रखा है, हृदय में बसा रखा है, इसलिए हमारे कृष्ण जो है वो हारे की लकड़ी के समान हैं। हे उद्धव, उनके लिए आप कोई भी बात करोगे, कोई भी ज्ञान दोगे, वो हमारे समझ में नहीं आता है। साथियों इसी प्रकार गोपियां अपनी व्यवस्था वेदना तथा प्रेम निष्ठा को व्यक्त कर विरह वेदना से व्यथित रहती हैं। उद्धव के मुख से ब्रह्मत्व अपनाने का संदेश पाकर गोपियां कहती हैं, क्या कहती हैं, फिर और भी कहा है गोपियों ने, बहुत सुंदर पंक्तियां।
उरमें माखन चोर गड़े, अब कैसे निकसत नहीं उधों, तिरछे हुए जो अड़े। बहुत ही शानदार पंक्तियां कही हैं। उरमें माखन चोर गड़े, उर मतलब हृदय में, माखन चोर कन्हैया कृष्ण हमारे हृदय में गड़ गए हैं, बस गए हैं। कैसे बस गए हैं ये भी बताया उन्होंने। अब कैसे निकसत नहीं उदो, अब किसी प्रकार से वो निकसत मतलब निकलते नहीं है, हे उदो, अब कृष्ण किसी भी प्रकार से हमारे हृदय से बाहर नहीं निकलते हैं। क्यों नहीं निकल पा रहे हैं ये भी बता दूं आपको। तिरछे हुए जो गड़े, तिरछे होकर के, सीधे नहीं, तिरछे होकर के हमारे हृदय में गड़ गए हैं, इसलिए वो हृदय से बाहर नहीं निकलते, ऐसा किसने कहा है? गोपियों ने। और क्या कहा है? और भी कुछ कहा है, देखेंगे आप आगे। उधो मन नहीं दस बीस, उधो मन नहीं दस बीस, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। साथियों बहुत अच्छी लाइनें गई हैं। उधो मन ना ही दस बीस, हे उधो, व्यर्थ की चर्चा मुझसे मत करो, ज्ञान की बरसात मत करो, क्योंकि हम लोगों पर ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ज्ञान का असर नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे मन जो है वो दस बीस नहीं है, एक मन है जो हमारे कन्हैया के साथ चला गया है। अब हम तुम्हारी ज्ञान की बातें कैसे समझे, कैसे माने, क्योंकि हमारा मन हमारे पास नहीं है। एक हो तो जो गयो श्याम संग, वो तो कन्हैया के साथ चला गया है, और दूसरा, दूसरा क्या कहा, को आराधे शीस, कौन राधे है, कौन कृष्ण है, अब हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा, कौन राधे है और कौन कृष्ण है, क्योंकि हमारा जो मन था वो तो कृष्ण के साथ चला गया है। मन हमारे कोई दस बीस नहीं है, ये उद्धव हमारा एक ही मन था जो कृष्ण चुरा कर ले गए हैं, उन्होंने हमारे मन को चोरी कर लिया है। और क्या कहा साथियों, इस प्रकार अनेक तरह के से अपनी विरह व्यथा प्रकट करती हुई गोपियां ज्ञान, ज्ञान योगी उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। उद्धव के पास कोई उनकी बातों का उत्तर नहीं है, निरुत्तर हो गए हैं उद्धव, चुप खड़े हैं, उनका ज्ञान जो है वो उनका जो ज्ञान है वो गोपियों के प्रेम पर भारी पड़ रहा है। साथियों सूरदास ने भ्रमर गीत में गोपियों के माध्यम से विप्रलंब श्रृंगार की मरण दशा को छोड़कर प्रायः सभी दशाओं का वर्णन किया है, और इसी विशेषता के कारण भ्रमर गीत श्रेष्ठ गृह काव्य प्रतीत होता है। साथियों यहां मरण दशा को छोड़ दिया है, बाकी का प्रेम में गोपियों का, ब्रजवासियों का, नंद यशोदा का बहुत ही बुरा हाल हुआ है, बहुत ही व्याकुल हुए हैं कृष्ण के लिए, लेकिन वहां कोई मरा नहीं है कृष्ण के लिए, ये प्रसंग उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि मरण प्रसंग को छोड़कर के बाकी का विरह व्यथा में क्या क्या हुआ है सारा इस प्रसंग के अंदर प्रस्तुत कर दिया है। साथियों यही श्रेष्ठता है किसकी, भ्रमर गीत प्रसंग की। तो बच्चों यहां पर जो है आपको ले चलते हैं एक पॉइंट, आगे का पॉइंट बताते हैं आपको। भ्रमर गीत में उपालंब एवं व्यंग्य चौथा पॉइंट है।
ये चौथा पॉइंट है इसका, देखेंगे आप साथियों। यहाँ पे उद्धव का शरीर सांवला था, गोरा नहीं था, गेहूं का कलर नहीं था, सांवला था। कृष्ण भी सांवले थे और उद्धव भी सांवले थे, इस कारण गोपियों ने दोनों पर भ्रमर वृत्ति का आरोप किया। बहुत ही शानदार बात, यानी भोरे की तरह काला बताया था दोनों को, उद्धव को भी और कृष्ण को भी, दोनों ही काले थे। काले के मन भी काले होते हैं, दूसरों को मन को चुरा लेते हैं। तो साथियों यहाँ वही बात की जा रही है कि उद्धव को और कृष्ण को, दोनों को ही गोपियों ने भ्रमर वृत्ति का आरोप लगाया है। और गोपियों की दृष्टि में जैसे भ्रमर पुष्पों पर मंडराता रहता है और उसका पुष्प पराग लेकर फिर अन्यत्र चला जाता है, वैसा ही आचरण प्रियतम कृष्ण ने गोपियों के साथ भी किया था। जैसे भौरा पुष्पों पर मंडराता है और पुष्पों का पुष्प पराग लेकर के अन्यत्र कहीं दूसरी जगह चला जाता है, उसी तरह कृष्ण ने भी गोपियों का मन हर लिया है और उसके बाद में कहीं और यानी मथुरा चले गए हैं। तो उसी दशा का वर्णन यहाँ पे किया गया है। और क्या कहा बच्चों, पहले गोपियों से भरपूर प्रेम किया किसने, कृष्ण ने, और अब मथुरा में जाकर वहां सुख भोग करने लगे। उद्धव भी उन्हें ज्ञान योग तथा ब्रह्मत्व का उपदेश देता हुआ परम स्वार्थी व्यक्ति प्रतीत हुआ। साथियों इस कारण गोपियों ने दोनों को लक्ष्य कर अनेक उपालंब दिए, विविध व्यंग वचन कहे, मजाक उड़ाया उद्धव का गोपियों ने। सूरदास ने भ्रमर गीत में इन सभी का सुंदर विन्यास किया है। साथियों बहुत ही शानदार उन्होंने व्यंग वचन कहे हैं गोपियों ने, किससे, उद्धव से, क्योंकि गोपियां बहुत चतुर थी, प्रेमी थी, चतुर थी, और उद्धव का ज्ञान प्रेम पर भारी नहीं पड़ा। गोपियों का प्रेम उद्धव के ज्ञान पर भारी पड़ा और उद्धव को निरुत्तर होना पड़ा। साथियों उद्धव को उपालंब देती हुई गोपियां क्या कहती हैं, देखेंगे आप आगे और पंक्तियां हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हस समझाए सहृदय, बूझत सांचना हासी। क्या कहा गोपियों ने, जब उद्धव ने निर्गुण और सगुण ब्रह्म के लिए गोपियों से कहा कि ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है, कणकण में बसा हुआ है, वो ही ब्रह्म है, ये तुम्हारा कौन सा ब्रह्म है कृष्ण और वो, गोपियों ने कहा अच्छा तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म जो है, निराकार ब्रह्म जो है, वो किस देश में रहता है, निर्गुण कौन देश को वासी, किस देश में रहता है बताओ जरा, हमारा कृष्ण तो ब्रज में रहता है, मथुरा चला गया है, हमें तो पता है, लेकिन तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश का वासी है, कहाँ का रहने वाला है, आप बड़े ज्ञानी आए हो तो बताओ कि तुम्हारा ब्रह्म जो है किस देश का वासी है, कौन सा देश है उसका। और क्या कहा, मधुकर हंस समझाए, मधुकर उद्धव हंस के समझाते हैं, सोमदेव बूझत सांच न हासी, कसम देकर के गोपियां पूछती है बिल्कुल सच कहना मधुकर, उद्धव बिल्कुल सच सच बताना, झूठ मत बोलना मेरे सामने, झूठ मत बोलना, क्योंकि तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म है वो कौन से देश का रहने वाला है। गोपियां आवेश में आकर एक और उद्धव को नकलची माल बेचने वाला कपटी व्यापारी बताने लगी, तो दूसरी ओर उसे काले आचरण वाला कहने लगी। और क्या कहा गोपियों ने साथियों, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आन उतारी, आयो घोष बड़ो व्यापारी, अरे बड़े व्यापारी बन के आए हो ज्ञान योग की गठरी लेकर के, या ब्रज में आ गए हो जहां ज्ञान योग को कोई नहीं मानता, कोई नहीं लेगा तुम्हारा ज्ञान योग, आए बड़े व्यापारी ज्ञान देने वाले,
ब्रज के अंदर अपने ज्ञान की गठरी लाकर उतारी है आपने। इस ज्ञान को यहाँ कोई नहीं मानता, आपके निर्गुण ब्रह्म को यहाँ कोई नहीं समझता, इसलिए आप व्यर्थ ही यहाँ बड़े व्यापारी बनके आए हो। और क्या कहा आगे देखेंगे साथियों। बिलग जन मानव उर्दू प्यारे, कितनी अच्छी बात है। बिलग जन, जन मतलब मत, बिलगो मत, हमारे पीछे मत पड़ो। उद्धव प्यारे, हे उद्धव प्यारे, हे कृष्ण के मित्र, हम लोगों से उलझो मत, क्योंकि जो ज्ञानियों को आप दे रहे हो, जो ज्ञान की भाषा बोल रहे हो, वो हमारे समझ में नहीं आती है। हम सीधी सादी भोली भाली बालाएं कृष्ण से प्रेम करती हैं और निर्गुण सगुण हमारे समझ में नहीं आता। हमारा ब्रह्म जो भी है वो सब क्या है, कृष्ण ही सब कुछ है हमारा। हमें कोई निर्गुण और सगुण ब्रह्म का ना तो कोई अर्थ मालूम है और ना ही हम उस ब्रह्म को मानते हैं। और क्या कहा, वह मथुरा काजल की ओवरी, जय आवे ते कारे, तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे कुटल भमारे। यहां भी बच्चों बहुत अच्छी बात कही है, वह मथुरा काजल की ओवरी, वह मथुरा जो है ना काजल की कोठरी है, वहां तो जो भी जाता है वो काला होके आ जाता है। जैसे तुम भी काले, तुम्हारे कृष्ण भी काले मथुरा गए, अब उन्होंने भी एक काले को भेज दिया संदेश देने, ज्ञान योग देने के लिए, तो वो मथुरा जो है ना वो तो काजल की कोठरी है, वहां जो भी जाता है वो काला होकर भी आ जाता है। और क्या कहा, तुम कारे, तुम भी काले हो, सुफलक सुत कारे और कारे कुटिल भवारे, यानी भवरों के उद्धव के जितने भी पुत्र हैं वहां रहने वाले हैं जो भी हैं वो सब काले ही हैं, क्योंकि मथुरा काजल की कोठरी है, वहां जो भी जाता है जो भी जन्म लेता है वो काला ही हो जाता है, ऐसा गोपियों ने कहा है। और क्या कहा साथियों देखेंगे आगे। भ्रमर गीत में इस तरह के अनेक पद हैं जिनमें गोपियों को उपालंब देती हुई तथा प्रियतम की बेरुखी और उद्धव की ज्ञान मद भरी बातों को लेकर व्यंग करती हुई दिखाया गया है। साथियों वे एक और उद्धव को अपना हित साधने वाली भी बताती हैं और संदेश वाहक रूप में आने पर स्वयं को बड़भागी भी मानती हैं, तो दूसरी ओर वे कहती हैं कि उद्धव मन माने की बात, अर्थात हम कृष्ण को प्रीतम प्रियतम मान चुकी हैं, उन्हें अब ब्रह्म कैसे मान सकती हैं, हमारे वो प्रियतम है, मन माने की बात है उद्धव, मन के मानने की बात है, कोई और बात नहीं, मेरे मन ने जो है ना कृष्ण को अपना प्रियतम मान लिया है, वो ब्रह्म भला कैसे हो सकता है, क्योंकि उद्धव उसी ज्ञान को देने आए थे। उद्धव को पता चल चुका था कि जो कृष्ण है वो साधारण बालक नहीं है, वो तो एक ब्रह्म है और ये गोपियां उस ब्रह्म को नहीं समझ पा रही हैं, ये प्रेम के रूप में अंधी हो गई हैं, अंधा प्रेम करती हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि कृष्ण एक ब्रह्म है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिससे प्रेम कर लो, लेकिन उन बातों को गोपियां भला क्यों माने, क्योंकि उनका प्रियतम तो कृष्ण था, उन्होंने सीधा ही बोला कि उद्धव कृष्ण हमारे प्रियतम है, वो ब्रह्म है या नहीं है वो मैं कैसे मानूं, क्योंकि मन के मानने की बात है, उद्धव मेरा मन नहीं मानता इसलिए मैं नहीं मानती इस बात को। और क्या कहा, उद्धव उद्धव को तो असत्य बोलने की आदत पड़ गई है, इसलिए वह हमें ज्ञान योग की बातें कहकर सता रहा है, इसलिए मैं निवेदन भी करती है बाद में, बच्चों देखेंगे आप क्या निवेदन किया है गोपियों ने उद्धव से। ए उद्धव कहियो माधव सो, विरह करत करि मारत लुंजे, सूरदास प्रभु को मग जोगत, अखियां भई वरन ज्यों कुंजे। साथियों यहाँ गोपियों ने विनम्र भाव से
उद्धव से क्या कहा, हे उद्धव कहियो माधव से, हमारे माधव प्रियतम कृष्ण से कहना, क्या कहना, विरह करद करी मारत मुंजे, विरह में हम सब विरह वियोग में यहाँ मर रही हैं, क्यों मारे देते हो मुझे, वहाँ बैठे बैठे क्यों ज्ञान योग की बरसात कर रहे हो, हमारे मन को चुरा के ले गए हो, और विरह में हमें क्यों खत्म कर देते करे दे रहे हो, हमें क्यों मार रहे हो। और सूरदास प्रभु को मग जोवत, सूरदास जो हैं कहते हैं प्रभु को मग जोवत, गोपियाँ प्रभु कृष्ण का रास्ता देखती रहती हैं, जोवत का मतलब रास्ता देखना, आने का मार्ग देखना, मग मतलब मार्ग, जोवत मतलब देखना, गोपियाँ दिन रात कृष्ण के आने का मार्ग देखती रहती हैं। और क्या क्या कहा है, अखियां भई बरन ज्यों गुंजे, आंखें गोपियों की हैं बिल्कुल छोटी छोटी हो गई हैं, क्योंकि गोपियां बिना अपलक बिना पलक झपकाए एक टक उस रास्ते को देखती रहती हैं, पता नहीं हमारा प्रियतम कृष्ण कब आ जाए हमारी आंखों के सामने, और अगर हमने कहीं पलक झपका लिया तो उस पलक झपकने के क्षण ही कृष्ण आके कहीं चला नहीं जाए और हम उसको कहीं देख नहीं पाए, ऐसा सोच के वो एक टक लगाए हुए कृष्ण के मार्ग को देखती रहती है। और क्या कहती है बच्चों देखेंगे साथियों, बात करते हैं, ये आपके पांच पॉइंट की बात, चार पॉइंट की बात हो गई है, अब ले चलते हैं आपको निष्कर्ष पर, निष्कर्ष में देखेंगे बच्चों। निष्कर्ष रूप में देखेंगे आप, संक्षेप में जैसे यह कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में सूरदास का भ्रमर गीत अपना विशिष्ट महत्व रखता है, इसमें भागवत के एक लघु प्रसंग को अतीव भाव भंगिमा के साथ उपस्थित किया गया है साथियों, और इसमें निर्गुण पर सगुण तथा ज्ञान योग पर प्रेमा भक्ति की विजय बतलाई गई है। सिंपल सी बात है, समझ लेंगे आप, जो निर्गुण था उस पर सगुण ब्रह्म की, निर्गुण ब्रह्म पर सगुण ब्रह्म की, और ज्ञान योग पर जो उद्धव का ज्ञान योग था और गोपियों की प्रेमा भक्ति, तो ज्ञान योग पर प्रेमा भक्ति की विजय दिखाई गई है साथियों। इस कारण इसमें गोपियों की विरह वेदना के साथ साथ उनके उपालंबों एवं व्यंग कथनों का बड़ी कुशलता से विन्यास किया गया है। इस दृष्टि से भ्रमर गीत विरह काव्य के साथ ही सफल व्यंग काव्य भी सिद्ध हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि भ्रमर काव्य जो है एक सफल व्यंग काव्य सिद्ध हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका यहीं समाप्त होता है, और अब हम ले चलते हैं आगे, आपको आगे बात करते हैं।